जो मैंने लास्ट क्लास में आपको तेज ऊर्जा के बारे में बताया था, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ये कितने की इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के मान के बराबर होती है, इसको मैंने यहाँ पर बताया होगा। आज मैं आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताता हूँ। एक स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति अथवा विन्यास के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बांध में एक ऊंचाई तक पानी होने पर उसमें निहित ऊर्जा। तो देखो क्या होता है, जब कोई वस्तु के आकार आकृति आदि के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैंने जमीन से पेन को उठा के यहाँ तक किया, तो यहाँ तक उठाने के बाद जो मैंने यहाँ पर कार्य किया वह कार्य यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास क्या हो गया, एक आप तीर कमान को खींचे, उसको खींचा तो उसमें अब खींचने में जो कार्य किया वह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार आप देखिए डैम यानी बांध में पानी आता है एक साइड से और ये ऊपर साइड तक चलता जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के या गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट में आपको कार्य करना पड़ता है। इसके कारण एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर जाके इसमें ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, इसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में क्या है, यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, एम ई एच के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रूव कर देते हैं। मान लीजिए कोई ये एक वस्तु ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर एम द्रव्यमान की, इसको इस हाइट एच तक हम लेकर आ गए, इसका द्रव्यमान एम, एम हाइट एच, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्थिति में माना एम द्रव्यमान की वस्तु को प्रारंभिक स्थिति से
एच ऊंचाई तक लाने में डब्लू कार्य किया जाता। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु M को यहां से यहां तक H ऊंचाई तक लेकर आ रहे हैं। जब मैं इसको लेके आऊंगा तो किया हुआ कार्य W, W इक्वल टू क्या हो जाता है, F इंटू H के मान के बराबर होगा। यहाँ H कैसा हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये विस्थापन हो गया। ठीक, अब वस्तु को आप ऊपर खींच रहे हैं, वस्तु नीचे बल, वस्तु के ऊपर तकभी नीचे की ओर कार्य करती है, तो इस पर लगाया हुआ बल M इंटू G के मान के बराबर हो जाएगा। तो यह कार्य H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होगा। ठीक, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका मान कितना जाएगा, यू इक्वल टू एम जी एच के मान के बराबर होता है। तो यह क्या हुआ कार्य, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाने लगती है। देखिए अगर मैं इसको तो देखूं तो मेरे पास यहां पर कार्य कर रहा हूं, तो कार्य को अगर हम प्रति सेकंड करते हैं तो ये मेरे पास राशि यहां पर शक्ति कहलाने लगती है। तो देखिए मैं यहां पर शक्ति को डिफाइन करता हूं, शक्ति ये मेरे पास इसमें क्या कहलाती है, पावर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, प्रति सेकेंड किया गया कार्य शक्ति या पावर कहलाता। देखिए अगर मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर दौड़ूं और दूसरा कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 10 मीटर दौड़ता है, तो 1 सेकेंड में जो ज्यादा दौड़ता है या जो ज्यादा कार्य करता है उसकी शक्ति या पावर कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम पावर को कैसे शो करते हैं, पी से, पी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। कार की यूनिट क्या होती है, 1 जूल, 1 सेकेंड, तो ये पावर की इकाई 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये मेरे पास वॉट, ठीक, वॉट कहलाने लगती है। ठीक है, तो कार की शक्ति, मेरे कार का इकाई या यूनिट क्या हो जाता है, वॉट के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, शक्ति को मैं काय से शो कर रहा हूं, यहां पर शक्ति मेरे पास शक्ति पी से हो रही है, पी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन पी के मान के बराबर आ जाती है। अब देखिए पी इजिकल टू यहां पर कितना हो गया, कार बराबर कितना होता है, ठीक, बल गुणित विस्थापन बटे समय। मैं ऐसा कर सकता हूं, एफ डॉट एस अपॉन टी, एस अपॉन टी
सेकेंड वस्तु का विस्थापन हो गया, ठीक है। तो ये मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट ई का प्रति सेकेंड वस्तु का वेग हो गया, ठीक है। दूरी विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रति सेकेंड वस्तु का वेग हो जाएगा, इसलिए पावर को हम एफ डॉट वी से भी शो कर सकते हैं, या P इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ डॉट बी यानी एफ वी कॉस थीटा के मान के बराबर हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को मैंने इसी यूनिट में कैसा किया हुआ है, समझाया हुआ है, इसलिए मेरे पास क्या आ जाता है, कार्य आदेश राशि होती है। तो कार्य को हम क्या बोल देते हैं, अदिश राशि के मान के बराबर कहलाती है, ठीक है। तो ये कार्य अदिश। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, संरक्षी और अनसंरक्षी बल। देखिए संरक्षी बल को आप बहुत ध्यान से होते समझ लीजिए, संरक्षी बल यदि बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता, तो किया गया कार्य संरक्षी बल द्वारा कहलाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ ए पर, फिर कहाँ चला गया बी पर, मैं ऐसा जाऊँ फिर ऐसा जाऊँ, ठीक, ऐसा जाऊँ फिर ऐसा जाऊँ, ठीक है। ये पाथ के ऊपर या पथ के ऊपर निर्भर नहीं करे, ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, यानी वस्तु यहाँ थी वहाँ पहुँच गई, कैसे पहुँची क्यों पहुँची इसका रास्ता कैसा था उससे ऊपर मतलब नहीं होता। तो ये बल द्वारा किया हुआ कार्य संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल द्वारा, संरक्षी बल द्वारा एक पूर्ण चक्र में जो बंद वक्र में होता है, संरक्षी
कहलाता है एवं धन वक्र में या गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, क्लियर। मान लो मैं पॉइंट ए पे था, मैं पॉइंट बी पे चला गया, मैं यहाँ पे गया और फिर वापस यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जाने में क्या हुआ, कार ए से बी, ये हो गया और वापस लौटा तो क्या हुआ, कार बी टू ए। ठीक, क्योंकि यह पथ के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ये केवल इसकी और जाने और आने की शॉर्टेज दूरी हम ये लेके चलेंगे। इसलिए अगर ये वाला कार पॉजिटिव है तो यहाँ पर नहीं, ये वापस आने पे क्या हुआ, कार निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जाते समय थीटा जीरो, आते समय थीटा 180 डिग्री। तो क्या हुआ, कुल कार्य डब्ल्यू ए बी ठीक माइनस डब्ल्यू बी ए, इसका मान शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, यह आ जाता है संरक्षी बल के उदाहरण। संरक्षी बल देखिए, ये आपके पास कौन कौन से हैं, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल ठीक, विद्युत है ना, स्थिर बल आदि, ये संरक्षी बल हो जाते हैं। तो संरक्षी बल में किया हुआ कार्य शून्य होता है और यह अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच पर निर्भर करता है, इनके पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल यदि दिया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो बल यदि किया यदि बल द्वारा किया गया कार्य पथ, तो ठीक कर दे रहा हूँ, पथ पर निर्भर करता है तो बल असंरक्षी कह लाता है। ठीक है, तो बल द्वारा या कार्य असंरक्षी कहलाता है। उदाहरण घर्षण बल श्यान बल आदि। अब देखिए, अगर मैं कार्य कर रहा हूं, जैसे आप यहां गए और यहां लौट के आए, तो यहाँ घर्षण कुछ और लगेगा, यहाँ घर्षण कुछ और लगेगा, दोनों में घर्षण बल का मान समान नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कार्य किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किया हुआ कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है, तो यह असंरक्षी कहलाता है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, घर्षण बल और श्यान बल। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।